इस समय दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी जेल में हैं, और हाल ही में भी जो रिसेंटली जो खबरें आ रही हैं, पता चला कि उनका करीबन 8.5 किलो वजन गिर चुका है। इस पर आप क्या कहना चाहोगे? जो दिल्ली का भला करने वाला आदमी था, उसको एक तो पहले इन्होंने जेल में डाल दिया, उसके साथ इतनी बेइंसाफी कर रहे हैं ये लोग। मेरे को लगता है कि ये तो ऐसा चाह रहे हैं कि इनको मार ही देना चाहते हैं कि कोई दे भला करने वाला ना हो, क्योंकि जो शिक्षा की बात करता हो उसको इन्होंने अंदर डाल दिया, काम की बात करता हो, बच्चों के रोजगार की बात करता हो, उनको अंदर डाल दिया। अब दोबारा इन लोगों ने क्या करा, नई चाल चल के और CBI के कारण। मगर हमें लगता है कि ज्यादा दिन रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि ईमानदारी देर है अंधेर नहीं है, सच को प्रमाण की जरूरत नहीं, बरी होके आएंगे बाहर। जी मैं भी अभी हाल फिलहाल में न्यूज में देख रहा था, अरविंद केजरीवाल जी जेल में है और उनका वजन जो है दिन प्रतिदिन घटता जा रहा है, और वहाँ पे जो पुलिस कर्मी है, जो भी भाजपा की जो साजिश है एक तरीके से, वहाँ पे रात दिन वो उस तरीके से शो कर रहे हैं कि उनको मारना चाह रहे हैं सीधा सीधा, ये दर्शा रहे हैं कि नॉर्मल सी बात है, ताना चाहिए। देखिए जो उनका अरेस्टिंग था, कहीं ना कहीं पिछले 2.5 साल से दिल्ली सरकार में जा चल रहा, अभी तक मिला क्या? कुछ नहीं मिला। और कहीं ना कहीं पार्टी को खत्म करने के लिए साजिश है CBI के थ्रू, ED के थ्रू, कि कैसे भी अरविंद केजरीवाल को और उसकी ईमानदारी की जो राजनीति कर रही है उसको खत्म किया जाए, क्योंकि एकमात्र अगर मोदी जी को डर है तो अरविंद केजरीवाल से। और लगातार उनका वेट कम हो रहा है, लगातार उनकी शुगर लेवल डाउन हो रही है, और ये चाहते हैं कि कहीं ना कहीं जेल के आड़े में अरविंद केजरीवाल को खत्म किया जाए। उनकी साजिश देखिए, एक तरफ जमानत मिली, ED पे कोई सबूत नहीं मिला, उनको मजबूरन जमानत देनी पड़ी, पीछे से CBI लगा दिया, और दिल्ली की जनता का आशीर्वाद साथ है, अरविंद केजरीवाल के साथ उनको कुछ नहीं होगा, हम पूरी तरीके से साथ है, और उनके लिए हम तो भगवान से ही कामना करेंगे कि एक काम करने वाले व्यक्ति को सलामत रखे और इन भाजपा वालों को मुंह तोड़ जवाब दे। जी देखिए ये सब है ना जानबूझ के किया जा रहा है, क्योंकि एक मुख्यमंत्री जो काम करने वाला उसको साजिशन के तहत उनको जेल में डाला, फिर सबको पता है कि इंसुलिन की उन्हें जरूरत है, लेकिन इंसुलिन उनकी रोक दी, ठीक है जेल में। अब उनकी जो कंडीशन है हमने भी देखी, रिपोर्ट जो आई है उसके मुताबिक जो डॉक्टर्स कह रहे हैं कि ये कोमा में जाने की स्थिति है, हो सकता है कि मुख्यमंत्री कोमा में चले जाए, तो ये कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री को मारने की जो साजिश है इनकी तरफ से की जा रही है।